हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वॉचिंग इजी के सिमटवाला। इस इंटरव्यू के लिए हमने यहाँ पे इनवाइट किया था टॉपर स्टूडेंट अभिषेक मायती इनको, जो कि अभी है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उनकी खास बात ये है कि वो एक यूट्यूबर भी है, उन्होंने अभी अभी एक चैनल यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिसके वजह से मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया। और वो एक ड्रॉपर भी है, तो जो वो फेल्योर से आए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं वो 2 साल में उनके प्रिपरेशन में, 3 साल में एक्चुअली। तो जो व्यक्ति फेल्योर से आगे बढ़ता है उसे कई सारे जो बातें होती है वो पता होती है, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो। तो वो सभी बातें उन्होंने आपको इस वीडियो में, इंटरव्यू वीडियो में आपको बताई है। तो पूरे इस इंटरव्यू से मुझे ये पता चला कि उनको फेल्योर आया था, बट उस फेल्योर से वो बाहर निकले, अच्छे से 1 साल फिर से प्रिपरेशन की और वो टॉपर बन गए। और उन्होंने जो मिस्टेक की थी वो उन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपर आप भी बन सकते हो, आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट, ये इवेंट टेस्ट है जो कि इंडिया की बिगेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है। ऑलरेडी 23rd of January को है, हो चुके हैं, लेकिन आगे की डेट्स भी इसके है। 29th of January को भी ये प्रोडिजी इवेंट टेस्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको ये दी जा रही है कि आप रैंकर में आते हो तो आपको कॉलेज ग्रांट मिलेगा, वो भी 20 लाख रुपीज का। आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जीतने ही वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइजेस है वो बड़े बड़े हैं, लाइक अमेजोन के जो वाउचर्स है वो है, और उससे भी आगे जाके यहाँ पे आईपैड, आईफोन, मैकबुक, ऐसे प्राइजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 16th of January से। इसके लिए जो डेली प्रैक्टिस है टेस्ट के लिए, प्रोडिजी इवेंट के लिए, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसमें आपको आपका ऑल इंडिया जो रैंक है ना, और आप किस लेवल पे यहाँ पे बिलोंग करते हो, वो आपको समझ में आएगा। इसी के साथ में अनअकैडमी पे अपकमिंग बैचेस आ रही है, अर्ली एंथ्यूज 2.0 बैच फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस 2023, और उसी के साथ में आरंभ 2.0 बैच फॉर क्लास 11 जेई मेन एंड जेई एडवांस 2023। ये दोनों भी बैचेस 27th of January 2022 से स्टार्ट होने वाली है। इसमें क्लास 11 की रिविजन होगी और क्लास 12 की प्रिपरेशन, और बैकलॉग कवरेज भी हो रहा होगा, और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है वो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे। रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको यहाँ पे 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 25th of January से लेके 27th of January 2022 तक वैलिड है। और इसमें भी आप हमारा कोड यूज कर सकते हो जो कि है EC10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इन बैचेस में जरूर एनरोल करना, और जो अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट है उसमें भी रजिस्टर जरूर करना। तो आपके प्रिपरेशन जर्नी को यहाँ पे नया एक लेवल देने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंटरव्यू वीडियो। तो सबसे पहले अभिषेक, आपका हमारे इजी कंसेप्ट वाला कम्युनिटी में चैनल पे स्वागत है। ओके, थैंक यू। मुझे पहले ये कहना है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो करता हूँ, मतलब आपके वीडियोस देखता हूँ। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और जब मैंने रिपीट किया था, दोनों टाइम में आपके वीडियोस देखता था, तो बहुत हेल्पफुल रहते आपके वीडियो, तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं आपको वेलकम करना चाह रहा था, तो आपने मेरा ही गुणगान गा दिया, ठीक है, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। कई सारे स्टूडेंट्स ईमेल या फिर कमेंट से डीएम करते हैं कि ये इंटरव्यू सीरीज उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, तो yes. आपने जो वर्ड्स थे आपके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक कमल मायती, आई एम फ्रॉम मुंबई, और MSTCET 2021 में मेरा स्कोर था 98.28% एंड रैंक था 2461। आप रिपीटर हो, राइट? यस। हाँ, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2020 अक्टूबर में, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो अभी दिया रिसेंटली 2021 में। तो रिपीट करने का आपका रीजन आप बता सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल हो गया, बट आपके वीडियोस में मैंने देखा था आपका यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर भी आपने बताया था। यस, मैंने ओपनली कहा है कि रिपीट करने का फर्स्ट रीजन तो यही था कि बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, जिसके वजह से मैं टॉप कॉलेज ले पाया। सेकंड रीजन ये था कि मैं ओपन कैटेगरी का हूँ, इसलिए मुझे टॉप कॉलेज में फिर फीस भी देना, मतलब टॉप नहीं सॉरी एवरेज कॉलेजेस में फीस भी देना था, तो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो वन एक ही ऑप्शन था कि अगले साल वापस रिपीट करके TFWS सीट ग्रैब करूँ और अच्छे कॉलेज में अपना इंजीनियरिंग करूँ। तो क्या आपको TFWS सीट मिली? यस, ऑब्वियसली यस। ओके ओके, ग्रेट अचीवमेंट, मतलब आपने एक डिसाइड किया था और आपने वो अचीव भी कर लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में होती है, ठीक है। थैंक यू। तो हाँ, तो आपने कहा कि 2020 में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और 2021 में सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तो
आपको ऐसा कुछ रिग्रेट वगैरह होता था कि यार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ या नहीं? नहीं नहीं मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि डोंट रिग्रेट फॉर योर डिसीजन. मैंने रिपीट करने का डिसीजन लिया ना, तो उसके बाद मैंने एक बार भी ऐसा मुड़ के भी नहीं सोचा कि मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए था क्या, ऐसा कुछ. मतलब आप जब ऐसा कुछ सोचते हो ना कि आपके डिसीजन पे जब आप डाउट करते हो तो आपका ना एफिशिएंसी कम हो जाता है. तो मेरे ख्याल से आपको एक बार डिसीजन ले लिया ना तो उसी रास्ते पे अभी अपना 100% 1000% देना ही चाहिए. वापिस उस बारे में सोचना ही नहीं कि रिग्रेट हो, मतलब मेरा मेरा डिसीजन राइट था या रॉन्ग था, ऐसा कुछ. एंड आई डोंट रिग्रेट एट ऑल. मैंने जो चाहा था वो मैंने अचीव कर लिया रिपीट करके, सो आई एम हैप्पी. ओके, तो आपने अच्छा सजेशन दिया, आंसर किया. बट ये जो आपकी बिलीफ है या फिर जो आपकी पावर है, मतलब आप समझ सकते हो, वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं स्टूडेंट? मतलब हम आगे इस क्वेश्चन पे आने वाले हैं कि रिपीट करना है या फिर नहीं करना, लेकिन आपने जो बिलीफ बनाया ना वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा. वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं कौन सा भी स्टूडेंट या फिर कौन सा भी एक व्यक्ति? देखो इसके लिए ना दो चीजें है. पहले तो हमारा हिस्ट्री हमको पता रहनी चाहिए, हमारे पास्ट अचीवमेंट्स, हमको मतलब हम लोग हम कौन है ये जानना चाहिए. वी मस्ट नो आवर सेल्फ. तो उसके ऊपर से हम फिर ये 100% श्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं मैं अगले साल अच्छा करूंगा ही. जिन लोग अपने आप पे डाउटफुल रहते हैं ना उनके लिए ये पाथ थोड़ा मुश्किल रहेगा. और अगर जिनके पास कुछ पास्ट अचीवमेंट्स इतने अच्छे नहीं है, मैं उन मेरे तरफ से उनके लिए यही सजेशन है कि पास्ट अचीवमेंट्स अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, अब फ्यूचर अचीवमेंट्स अच्छे हो गए. तो बिलीव इन योर सेल्फ और इसी माइंड सेट के साथ आप अपना जो डिसीजन लिया है उस पर कायम रहो. ओके ग्रेट. तो जो रिपीट का क्वेश्चन है उसी के ऊपर फिर से आते हैं, तो इस पर आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. तो दो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछूंगा कि रिपीट क्यों करना चाहिए, और अपोजिटली ये भी पूछूंगा कि रिपीट क्यों नहीं करना चाहिए. तो इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि आपका जो वीडियो था ना मैंने देखा, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया था, इस इंटरव्यू वीडियो में भी आप वो बता सकते हो. ओके, रिपीट क्यों करना चाहिए, इसके लिए जो आंसर है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं इंजीनियरिंग करने के. इंजीनियरिंग करने के लिए ना बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स के यही इच्छा रहती है कि टॉप कॉलेजेस से करें, जैसे कि IITs, COEP, VJTI, ऐसे सब. लेकिन IITs बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, उसके बाद उनके पास एक ही चांस बचता है MHT CET करने का, और COEP, VJTI, सरदार पटेल, ये सब PICT, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने का. और लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोग का नहीं हो पाता है, और उन लोग उदास होके या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके ना ये डिसीजन ले लेते हैं कि छोड़ एवरेज कॉलेज मिल रहा है ले लेता हूँ, लो कॉलेज मिल रहा है ले लेता हूँ. और फिर बाद में ना जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपका इंजीनियरिंग खत्म भी हो जाएगा, तब आप ऐसे फील करोगे अरे यार तभी मेरे हाथ में चांस था, बस एक ही साल और मेहनत करनी चाहिए थी तो मैं अभी किधर रहता. जिस कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की वहाँ पे तो इतने सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले ही नहीं कि मैं उतने लेवल तक जा पाऊँ. तो मेरे ख्याल से बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है ना आप पहले ही अपने आप पे विश्वास रख के रिपीट करने का डिसीजन ले लो अगर आप चाहते हो तो. और जो सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको रिपीट क्यों नहीं करना चाहिए, ये ना मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ना फैमिली बैकग्राउंड आई थिंक अच्छा है. क्योंकि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड लो है तो और आपके पास बहुत लो कॉलेजेस की लिस्ट है मतलब चांसेस है, तो फिर तो आपको रिपीट करने का सोचना चाहिए. क्योंकि ज्यादा फीस दे के आप लो कॉलेज में एक पुअर इंजीनियरिंग करने से अच्छा आप एक साल वापस दो और कम फीस में TFWS के फीस में एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छा सीट ग्रैब करो. और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है उनको रिपीट नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली पर्सनल चॉइसेस रहती है, जैसे कि वही टॉप कॉलेज में जाना है, किसी के ख्वाहिश रहती है, किसी के ड्रीम्स रहते हैं. तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि रिपीट क्यों नहीं करना चाहिए और रिपीट करना चाहिए. ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव से क्यों पूछा मालूम है क्या? मैंने आपका वीडियो देखा था और उसमें आपने बहुत ही डीप से बताया था, तो हो सकता है कि दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए होंगे तो उनको आंसर करूँ. बट ऑनेस्टली मैं कहूंगा ना, तो मैं कभी भी रिपीट करो ऐसे मतलब स्टूडेंट को नहीं कहता, बट उसका वो मेरा अलग सा पर्सपेक्टिव होगा. लेकिन लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो सामने वाला स्टूडेंट है उसके भी कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसका भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. ठीक है. तो आपने प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट से ही स्टार्ट की थी क्या उस वक्त, क्या फिर सेकेंड अटेम्प्ट आने के बाद प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की थी? लुक ऑनेस्ट नहीं कहूंगा ना तो मैं
90% ऑफ द स्टूडेंट्स में से हूँ जिनका 11th 12th अच्छा नहीं गया। मतलब मैं आपको 11th 12th में अपने कुछ अचीवमेंट्स बता ही नहीं सकता, और उसके साथ साथ लॉकडाउन हो गया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लॉकडाउन में पूरा टाइम चला गया, और जब तक रियलाइज हुआ अरे भाई इंजीनियरिंग करने के लिए एक ना एक एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, अभी जेई तो हाथ में नहीं है, अभी MHTCT इज द ओनली ऑप्शन। बट MHTCT के बारे में जब मैं एक्सप्लोर करना चालू किया तब पता चला कि भाई इसका लेवल भी अच्छा है। लोग बोलते हैं कि MHTCT तो हो जाएगा बायात तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। MHTCT में भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए, प्रैक्टिस रहनी चाहिए, तभी आप MHTCT में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और मैंने 91% लाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट मेरा रिपीट करने का डिसीजन तभी मैंने सोच लिया कि था कि इतने में तो नहीं चुप बैठूंगा। उसके बाद अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। MHTCT फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, इम्पल्स बैच, जो निशांत सर, अलगेश सर, उनका जो बैच है, मतलब उन लोग यूट्यूबर्स है, और उन लोगों ने एक ऑनलाइन बैच रन किया था इम्पल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं उस इम्पल्स 1.0 का मतलब एक स्टूडेंट हूँ, और वो बैच बहुत मुझे बेनिफिट्स, मतलब वो बैच बहुत बेनिफिशियल हुआ मेरे लिए, उस बैच से अच्छे से प्रिपरेशन हो गया। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपकी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती कि जिसके कारण आपको लगा कि मुझे रिपीट करना चाहिए, मिस्टेक्स के बारे में आप बता सकते हो? पहला मिस्टेक तो यही था कि ओवर कॉन्फिडेंस। लोगों ने ना MHTCT को बहुत हवे में ले लिया था कि तेरा बोर्ड्स हो गया ना MHTCT हो जाएगा, बोर्ड्स हो गया तो MHTCT आराम से बायात का खेले, जेई पे फोकस कर, और जेई में तो इंटरेस्ट था नहीं, जब तक MHTCT के लिए आग खुली देर हो चुकी थी। और मिस्टेक्स बोलने जाओ तो मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, यह सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना। उसकी वजह से मुझे टाइम इश्यू बहुत ज्यादा फेस करने पड़े, मतलब लिटरली मुझे आई थिंक पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन तो छूट गए रहेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन में से 30 से 40 क्वेश्चन छूट गए रहेंगे टाइम इश्यू की वजह से। और दूसरा कि मैंने ना फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मतलब प्रिपरेशन के वक्त मैंने ना 1 month पहले से अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑब्वियसली फिजिक्स है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। लेकिन MHTCT ऐसा एग्जाम नहीं है कि वाह आपके फेवरेट सब्जेक्ट को पकड़ के चलो, MHTCT में मैथ्स और केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का लेवल बहुत ईजी रहता है और बहुत स्कोरिंग रहते हैं ये दोनों। तो अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो मेक श्योर कि आप मैथ्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो रेदर देन फिजिक्स। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है फिर भी, फिजिक्स में बस एवरेज ठीक है, लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करो, ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। एंड थर्ड मिस्टेक तो यही कहूंगा कि इनकंसिस्टेंसी, मैं इनकंसिस्टेंट था अपने प्रिपरेशन को लेके ऑब्वियसली, सो ये कुछ रीजन थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार जाने के। तो आपने पॉइंट वाइज बताया एनालिटिक जो स्किल्स होते हैं आपके वो अच्छे, ग्रेट। तो फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट था ऐसा आपने अभी कहा, तो कैसे स्टडी किया था आपने फिजिक्स का, और सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए थे? फिजिक्स में ही आए होंगे शायद, फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब ओवरऑल बता दो कि आपने फिजिक्स का स्टडी कैसे किया था, ऐसा मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, फिजिक्स का स्टडी करने के लिए ना देखो फॉर्मूला रटना बिल्कुल भी नहीं है फिजिक्स में ना, आपको अगर कंसेप्ट आता है ना तो आप जीत चुके हो, बस आपको फिर MCQ प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में जिन लोग कंसेप्ट छोड़ के सिर्फ जो शॉर्ट ट्रिक्स के बुक रहते हैं उसमें से फॉर्मूला रटते हैं, फॉर्मूला लिखते, तो ये कुछ बेनिफिशियल नहीं होता। क्वेश्चंस MHTCT में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। उसमें आपको कुछ ऐसे डेटा दिए रहेंगे जिसमें आपको जो आपने फॉर्मूला रटा है ना उस हिसाब से तो आपको डेटा मिल ही नहीं रहा है, तो आपको ना आपके कंसेप्ट यूज करके आपको घुमा के, मतलब किधर से तो वो डेटा डिराइव करने का, वो फॉर्मूला डिराइव करने का, उसके बाद आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करने का है। तो फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए यही कहूंगा कि पहले कंसेप्ट अच्छे से करो, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट डीपली करो, और वीकली टेस्ट देते रहो हर चैप्टर का, हर कंसेप्ट का ऐसा, और उसके बाद MCQ में जंप करो। PYQs बहुत मेन फैक्टर है, ऑब्वियसली आप शायद बाद में पूछोगे PYQs के बारे में, तो वो बाद में रखता हूँ। फिजिक्स का प्रिपरेशन ऐसे कहा, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली खुद के हाथ से नोट्स लिखो, दैट्स द मेन थिंग। ओके, तो आपके पीछे जो वो क्या बोलते हैं हम सकते हैं नोट्स जो चिपकाए हुए हैं, तो वो शायद केमिस्ट्री के रिएक्शंस के चार्ट से रहे? हाँ, ये लास्ट ईयर के नोट्स है, इसमें जो है वो रिएक्शंस यहाँ पे है, और यहाँ जो ऊपर है ना वहाँ पे जो
जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ना उसके जो ये है मतलब नेम है, फॉर्मूला नेम है। हाँ तो एग्जैक्टली। तो मैंने भी ऐसे चार्ट्स बनाए थे रिएक्शंस के, आई थिंक वो अल्कोहल से, राइट? हाँ, यस अल्कोहल। हाँ ठीक है ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में आपने कैसे स्टडी किया था, ये क्वेश्चन है, जस्ट मुझे वो दिखा क्लियरली तो इसलिए मैंने आपको पूछा। तो केमिस्ट्री के ओके बारे में बताओ। ओके सो केमिस्ट्री ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल करने के लिए ना आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। आपने एक कंसेप्ट कर लिया ना तो उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करने पड़ते फिजिक्स और मैथ्स में, लेकिन केमिस्ट्री में ना वो एक्चुअली कंसेप्ट नहीं रहता, वो पूरा थ्योरी रहता है। तो आपको उसी पैराग्राफ में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो आपको है ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपने एक बार केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया ना, उसके बाद दूसरा चैप्टर किया, तीसरा चैप्टर किया, वीक में ना एक बार वापस उस चैप्टर को रिवाइज तो करना ही है स्टार्टिंग डेज में, और एंडिंग डेज में तो आपको हर सुबह उठ के केमिस्ट्री रिवाइज करना ही है। आप कैसे रिवीजन करते थे केमिस्ट्री की? मेरा रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसा था कि सुबह मैं 4 या 5 बजे उठता था ऑब्वियसली, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं केमिस्ट्री करता था, 2, 3 या मैक्सिमम 4 घंटे केमिस्ट्री करता था, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत पीसफुल रहता है, बहुत सूथिंग रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सुबह के टाइम एमसीक्यू वगैरह का लोड नहीं लेता था, जो केमिस्ट्री किया है वही वापस रिवाइज करो, सब इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वही वापस देखो, जो नेम रिएक्शन है खास करके वो देखो, जो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट है वो देखो, और उसके बाद मेरा बाकी का रिविजन चालू होता था फिजिक्स और मैथ्स में। कि आपने अभी कहा कि आप 4 या फिर 5 बजे सुबह उठते थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी वो रूटीन था या फिर नहीं नहीं सेकेंड नहीं अटेम्प्ट नहीं में? सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैं मैक्सिमम टाइम फिजिक्स किया था, केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत कम टाइम गया था, और वो भी सुबह उठ के नहीं किया था, अपने नॉर्मल डे डे रूटीन में। तो अभी मैथमेटिक्स के ओर आते हैं, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, मैथमेटिक्स का कैसे स्टडी किया था आपने? लुक मैथमेटिक्स के लिए आई थिंक आपको किसी और बुक में जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक्स में जो सम्स है ना बहुत इनफ है मैथ्स के लिए। आप कंसेप्ट सीख लो, उस टाइप के सम्स करते जाओ करते जाओ, आप जब नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट हो गए ना कोई बात नहीं, जब आप 3 4 चैप्टर हो जाएगा ना तो वापस फर्स्ट चैप्टर के हर एक्सरसाइज में से कम 2 या 3 सम तो वापस करो, जिससे आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। और मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स में बहुत लोगों को टाइम इश्यू भी होता है, क्योंकि उनको ना लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ना उनको वो कुछ शॉर्टकट्स या स्टेप्स कैसे स्किप करने के ये पता नहीं रहता। मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप पूरा स्टेप लिखो, एमएसटी सीटी में खास करके, बोर्ड में तो पूरा स्टेप लिखना ही है, लेकिन एमएसटी सीटी में ना आपको स्टेप स्किप करना आना चाहिए, आपको मेन फाइनल आंसर चाहिए, तो आप स्टेप स्किप करना अच्छे से प्रिपरेशन के वक्त से चालू कर दो कि इसके बाद का तो स्टेप मैंने माइंड में कर लिया, ठीक है चल उसके बाद का स्टेप माइंड में होता है तो ठीक है, अगर कुछ खिचड़ी बन रही है माइंड में तो ठीक है लिख लो, उसके बाद का स्टेप माइंड में कर लिया, उसके बाद का स्टेप लिख लो, ऐसे करके मैथ्स का प्रिपरेशन करने का है। एंड सेकेंड थिंग इज कि मैथ्स में ना जो 11th का पोर्शन है ना वो भी बहुत है, आई थिंक 20 मार्क्स 11th के पोर्शन में से है, तो आई 11th के पोर्शन भी अच्छे से करने का है। इसी 12th का ही करके जाओगे तो सिर्फ आपको 80 मार्क्स का पेपर देने का है, 20 मार्क्स तो आपके वैसे ही रह गए, तो 11th के पोर्शन पे भी ज्यादा ये करो मैथ्स में फोकस। तो मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए बेसिक तो फिक्स होना इम्पोर्टेंट है, और उसका बेसिक तो 11th में ही मिलता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने दिए होंगे कई सारे मॉक टेस्ट, तो कितने मॉक टेस्ट दिए थे आपने सेकंड अटेम्प्ट में? सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने टोटल 15 मॉक टेस्ट दिए थे, और फुल लेंथ? सबके सब यस फुल लेंथ, और सबके सब ऑनलाइन मॉक टेस्ट थे। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप है ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्यादा प्रेफर करो, ऑनलाइन में ना आपको वो हैबिट हो जाती है उस फॉर्मेट की जो सीटी पेपर में एक्चुअल होता है, कि आपको ऊपर टाइमर दिखता है, आपको ऐसे मतलब बॉक्सेस रहते हैं क्वेश्चंस के, आपको नेक्स्ट बजावाना रहता है, रिव्यू फॉर नेक्स्ट करना रहता है, तो आपको विद इन टाइम लिमिट आपको सब करना रहता है, तो आपको ना वो हैबिट बन जाती है ऑनलाइन मॉक टेस्ट में। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के दौरान आपको मेन बात यह याद रखना है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन, कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
कौन से क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लग रहा है और कौन से क्वेश्चन तो आपको चुटकी बजा के हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है ना आपको आइडेंटिफाई करने आया ना, तो आप मॉक सॉरी MHTCT में ना लास्ट क्वेश्चन तक इजीली पहुंच जाओगे। लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए ना तो आपका ना माइंड एकदम कूल हो जाता है, फिर आप वापस जो रिव्यू फॉर नेक्स्ट किया है ना उसमें जाके ये करो। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, इवन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया था, अरे भाई ये क्वेश्चन क्या, मैं कुछ सोच नहीं रहा है, रिव्यू फॉर नेक्स्ट, रिव्यू फॉर नेक्स्ट, रिव्यू फॉर नेक्स्ट, ऐसे करते करते मैंने 50 में से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन तो रिव्यू फॉर नेक्स्ट कर दिए थे। तो जिसकी वजह से जब मैंने रिपीट मारा क्वेश्चन तो उधर ये हो गया, भाई इतने सारे क्वेश्चन रिव्यू फॉर नेक्स्ट है, मैं तो गया। इसलिए आपको जो आते हैं ना उसके लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि वो आता है मुझे, और जो नहीं आते ना उसमें आप कुछ भी टिक करके जो आपको लग रहा है हो सकता है रिव्यू फॉर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ। रिव्यू फॉर नेक्स्ट सिर्फ नहीं करना है आपको, ना कुछ टिक करके आगे बढ़ना है कि इन केस कि आपको वापस उस क्वेश्चन में आने का चांस नहीं मिला तो आप प्रोबेबिलिटी तो बनी रहेगी कि 4 में से जो आपने टिक किया शायद वो राइट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको कुछ तो टिक करके आगे बढ़ना है, रिव्यू फॉर नेक्स्ट करना है रेदर देन छोड़ के रिव्यू फॉर नेक्स्ट करना है। तो आपने अभी जो कहा ना कि अब हमें पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन मुझे आ भी रहा है या फिर नहीं, तो इसके लिए ना कई सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करनी पड़ती है। ये मैं स्टूडेंट को यहाँ पे कहना चाहूंगा, प्लीज जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको नोट करके रखो कि कई सारे मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करनी है। ओके, आप POIQs के बारे में अभी बोल रहे थे, तो मॉक टेस्ट में सॉल्व हो गए क्या POIQs या फिर अदर कुछ आपने यहाँ पे POIQs के लिए किया था? नहीं, POIQs हमारे इंपल्स बैच में ना पिछले साल के 2020 के एक पूरा बुक बना के दिया था उन्होंने POIQs का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और मैथ्स का अलग। तो उसमें ना 2020 में आपको पता ही है सबसे ज्यादा शिफ्ट कंडक्ट किए गए थे, अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 शिफ्ट थे। तो आपने पिछले 20 साल के PYQs नहीं किए ना फिर भी चलेगा, लेकिन ये 2020 और 2021 के PYQs आपको करना ही चाहिए। आपको ऑब्वियसली MHTCT के जो मॉक टेस्ट ये डिजाइन करते हैं जो टीचर्स या जो भी रहते उन लोग PYQs तो डालते ही है, लेकिन आपको ना स्पेशली PYQs करना चाहिए रादर देन सिर्फ मॉक टेस्ट वाले PYQs। आपको A to Z PYQs करना ही चाहिए और PYQs आपको ना एक कॉन्फिडेंस देगा कि वाओ MHTCT में इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपका ना एक प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आपने टारगेट आपने जो दूसरे बुक्स करते हो ना उसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, और तो आपको ना थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो सकता है, मुझे भी हुआ था, लेकिन PYQs देखने के बाद है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा, तो PYQs 100% आप करो ही। वो डीमोटिवेशन की आपने बात की ना, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बताना चाहूंगा और सभी स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा। हर एक कौन सा भी एक प्रोसेस हो, वर्क हो, तो उसमें स्टार्टिंग डीमोटिवेशन से या फिर फेलियर से होती है, तो उसमें जुड़े रहना होता है, वर्क करते रहना होता है। पहली बार आपको वो डिफिकल्ट लगेंगे, करते करते जाओगे तो वो मीडियम और उसके बाद ईजी हो जाएंगे, तो ये एक प्रोसेस होता है, ये प्लीज स्टूडेंट आप नोट कर दीजिए। तो आपने टारगेट वगैरह बुक्स का भी नाम लिए, तो आपने कौन से बुक्स यूज किए थे? मैं ऑनेस्ट रहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के साथ कि मैंने ना टारगेट किया था ना स्कोर बूस्टर किया था, मैंने 100% सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक्स किए और जो इम्पल्स बैच के पास से जो मुझे MCQs मिले थे सिर्फ और सिर्फ मैंने वही किया, और ऑब्वियसली PYQs किए। ये सब बुक का लोड है ना मैंने नहीं लिया। आई थिंक अगर एक बुक करता तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता, लेकिन नहीं लिया फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे सरदार पटेल कॉलेज में TFW सीट मिल गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट से कि आपके पास अगर कम टाइम बचा, आपके पास लोड बहुत ज्यादा है, तो आप बुक नहीं किया फिर भी चलेगा, लेकिन आप अपने महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से चिपके रहो और आप मैक्सिमम MCQs और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और मॉक टेस्ट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपको आएगा या नहीं आएगा, आपको ना ये भी पता है, मतलब आपको ये भी एनालाइज करना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स में आपको ज्यादा वक्त लग रहा है और कौन से चैप्टर्स में आपको बहुत इजीली हो जा रहा है, मतलब देखते ही आ गया। मैं अभी आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपने कैसे एनालिसिस किया था, प्रैक्टिकल वे में बता दो, मतलब एक्चुअल में क्या किया था आपने? ओके, सो हमारा मॉक टेस्ट ना 1 month पहले स्टार्ट हुआ था, इम्पल्स बैच का एक्चुअल एग्जाम के 1 month पहले मॉक टेस्ट चालू हुए थे। फर्स्ट मॉक टेस्ट मैंने दिया, एक्चुअली ना मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट है ना फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था वो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था, उसमें मैं ट्रेमेंडियस डीमोटिवेट हो चुका था, लेकिन अंदर एक आग जली हुई थी कि नहीं भाई अगले बार अच्छा करूंगा। सो मैंने जब इम्पल्स बैच का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया मुझे आई थिंक 130 या 140 कुछ स्कोर आया,
हाँ, अब अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन लोग सोचेंगे कि अरे भाई टॉपर्स लोग को फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी 100+ आ जाता है, और हमारी तो भाई फिर बात ही छोड़ो। लेकिन ब्रो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं भी इतने रिपीटर हूँ इसलिए मुझे इतना आया, लेकिन मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ अगर मैं फर्स्ट टाइम देता ना फ्रेशर रह के तो मुझे आई थिंक 60 भी क्रॉस नहीं होते। सो डीमोटिवेट मत हो कि किसको कितना आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसको कितना आ रहा है लास्ट अटेम्प्ट में। आप बस अपनी जर्नी को देखो, सबकी जर्नी अलग है। कोई अपने लाइफ में 10वें चैप्टर में और आप अपने लाइफ में पहले चैप्टर में हो, तो आप कंपेयर मत करो दूसरों के साथ अपने मार्क्स। और एनालिसिस में आऊंगा तो मॉक टेस्ट में मैंने फर्स्ट एड मॉक टेस्ट दिया, मुझे पता चला कि ओ भाई फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वैसे जैसे केमिस्ट्री फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था वैसे इस बार भी हो रहा है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। केमिस्ट्री चलो हो जा रहा है और मैथ्स में इतना कुछ इश्यू नहीं है। तो मैंने फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स में ज्यादा वक्त लग रहा है वो एनालिसिस किया, केमिस्ट्री में मुझे कौन से, केमिस्ट्री में एक्चुअली थियोरेटिकल होता है तो उसमें ना कुछ नाम याद रखने पड़ते हैं, कुछ रिएक्शंस याद रखने पड़ते हैं मुझे ना वो, और एग्जाम के प्रश्न में ना वो आपको याद है फिर भी याद नहीं आता है। तो वो सब मैंने पता किए, वो सब एनालाइज किया, और केमिस्ट्री में मैं अगले दिन से उन चैप्टर्स को ज्यादा रिवाइज करने लग गया जिसमें मैं मतलब मेरा गंदा गया फर्स्ट मॉक टेस्ट। फिजिक्स में मैंने उस चैप्टर्स के ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए जिसमें मुझे जमा ही नहीं, और मैथ्स में और वैसे इतना कुछ एनालाइज नहीं किया, बस जैसे रेगुलर चलता गया वैसे चल गया। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से स्कोर होता है। और एक पॉइंट मैं इधर ये ऐड करना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स है ना ऐसा सोचते हैं कि इसके तो 10th में बहुत अच्छे आए थे 90+ 95+, इसके तो 12th में 90+ आए थे। अरे भाई इसकी तो लेवल ही अलग है भाई, हम लोग किधर इसके जैसा ये कर सकते। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, जिन लोगों को 9 सॉरी जिन लोगों को 12th में 95% आते ना उन लोग भी MHTCET में 20,000 25,000 रैंक पे होते, और जिनको 12th में 70 80 या फिर 60% भी आते ना उन लोग MHTCET में टॉप रैंक्स में होते। सो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आपके पास्ट क्या है, मैटर ये करेगा कि आप आज से कितना एफर्ट लगा रहे हो और आप MHTCET तक कितना एफर्ट लगाते रहोगे। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आपने ये जो 2 साल के प्रिपरेशन है ना, मतलब आप रिपीट किया इसलिए वो हाँ आपने एंजॉय किया है, ऐसा मैं कहूंगा। आप जिस प्रकार से हाँ बोल रहे हैं ना यस उसके यार रिगार्डिंग बोल रहे एब्सोल्युटली राइट। हैं। ठीक है, तो आपने जो ये चार्ट्स वगैरह लगाए ना वॉल पे, तो सुनते हैं हम कि ऐसे चार्ट्स लगाने चाहिए, नोट्स लगाने चाहिए, तो पीछे दिख रहे हैं आप, आपके तो यस वो कैसे आपको हेल्प किया इन सारे नोट्स ने जो आपके पीछे दिख रहे हैं वो? देखो हमारे जो MHTCET में टोटल चैप्टर्स है ना अगर 11th और 12th दोनों के काउंट किए तो 70 के ऊपर है, और 1 या 1.5 साल में इतने सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल है। और मैं भाई ऑनेस्टली कहूंगा कि मैं आलसी हूँ, रोज एक ही चैप्टर बुक खोल के देखना मुझे जमता नहीं है। तो मैंने उसी चैप्टर्स के ना चार्ट्स बना दिए, और चार्ट्स बनाते टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं चार्ट्स बनाते वक्त ना मैंने जो चार्ट्स बनाए उस वक्त जो मैंने उस कंसेप्ट में ध्यान दिया मुझे वापस जरूरत ही नहीं पड़ी उस कंसेप्ट में वापस देखने की। जैसे उस चार्ट को देखता फटक से याद आ जाता कि अरे हाँ मैं चार्ट बनाता ऐसा ऐसा लिखा था, मुझे याद आ गया। मतलब चार्ट बनाना, नोट्स बनाना, पर्सनल नोट्स की बात करो, इतना बेनिफिशियल है ना कि आपने एक बार कुछ लिख दिया ना तो वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है हमेशा के लिए। नॉट हमेशा के लिए लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम तक तो इम्प्रिंट रहेगा। तो आप एक प्रिंटेड नोट्स खरीदने से अच्छा, देखने से अच्छा आप अपने खुद के नोट्स, खुद के चार्ट्स वगैरह बनाओ तो ज्यादा बेनिफिशियल है। और चार्ट्स का एडवांटेज ये भी है कि आप सुबह उठे या फिर शाम को किधर जा रहे हो, किधर भी कभी भी किसी टाइम जा रहे हो, आपकी नजर पड़ गई, चल आप चल आज रोटेशनल मोशन का थोड़ा कंसेप्ट देख लेता हूँ, हाँ चल रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, चल ये सब है, चल आज थोड़ा ये देख लेता हूँ, चल आज थोड़ा ये देख लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आज आपको रोज हर चार्ट देखना है, जिस दिन जिस टाइम जो टॉपिक मन किया उस चार्ट को देख लो, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे चलते फिरते देख रहे हो बस हो गया इजी। तो आप कितनी बार देखते थे दिन में ऐसे आते जाते? आपके सामने आपने बहुत कुछ लगाया है तो दिन में आते जाते वैसे मैंने गिना तो नहीं है। मैथ्स के चार्ट है ना मेरे अपने किचन में, मैथ्स के चार्ट लगाए वो मैं रोज एक बार तो देखता था क्योंकि मैथ्स में ना बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्री वो सब को पकड़ के, तो मैथ्स के चार्ट आई थिंक रोज देखने पड़ेंगे। बाकी सब इतना कुछ ये नहीं है रोज देखने जैसा, और आपने एक बार चैट बना लिया ना तो आपके दिमाग में बस गए, बस आप हफ्ते में एक बार देखो ऐसा चलेगा। मतलब ये जो आपकी ट्रिक थी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी उसने, यस राइट? यस ऑब्वियसली यस ओके, तो फिर
तो एक क्वेश्चन का आंसर आप शायद दे सकते हो अच्छे से। कई सारे हमारे ऑडियंस है, कई सारे स्टूडेंट्स मतलब होते ही है कि उनके कंडीशन मतलब अच्छे नहीं होती, जो सुविधा उनके उन्हें मिलनी चाहिए वो होती नहीं है उनके पास, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं यस यस क्या पूछना चाह अंडरस्टूड रहा हूँ। तो यस। ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास फीचर्स नहीं है या फिर कुछ फैसिलिटीज फाइनेंशियल कंडीशन है, हाँ फैसिलिटीज नहीं है एग्जैक्टली, तो उनको आप क्या कहोगे? इसका आंसर आप शायद अच्छे से दे सकते हो। लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे, 3-4 साल पहले तक ना ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये यूट्यूबर्स, यूट्यूब टीचर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तब है ना बहुत ज्यादा कष्ट लेने पड़ते थे, कोचिंग्स ज्वाइन करने पड़ते थे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ते थे, पर्सनल टीचर से गाइडेंस लेना पड़ता था, कोई सीनियर की पहचान रहनी चाहिए थी कुछ गाइडेंस लेने के लिए। लेकिन अभी है ना रिसेंटली 2-3 साल से ना सब कुछ यूट्यूब पे मिलने लग गए, और सब कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह, फैसिलिटीज, नोट्स वगैरह, ई बुक्स मिलने लग गए। तो ना हमारे पास मतलब जो फ्यूचर जनरेशन के पास बहुत अच्छा चांस है कि आप है ना जीरो कॉस्ट में एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब एक एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आपको ना ऑफलाइन कोचिंग्स की जरूरत है, आपको बस यूट्यूब में, और यूट्यूब में ऑनेस्टली कहूंगा ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैंने भी उनका बहुत बेनिफिट लिया, तो आप भी लो उनसे। और जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसके लिए ना थोड़ा सा कुछ चार्ज रहता है, 500 ऐसा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेबसाइट में जाके देना पड़ता है, तो वेबसाइट हैंडलिंग वो सब के चार्जेस लगते हैं। लेकिन ऐसे अगर अगर आपके कुछ पहचान वाले हैं या फिर कोई स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो भी आपको फ्री में मिल सकते हैं। और रही बात नोट्स वगैरह की, आपके पास कुछ ऐप्स है जिसमें ना आपको टेक्स्ट बुक के नोट, जो महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स है, एमसीक्यूज है, जो एमएसटी सीटी में आए, पीवाईक्यूज है, वो ऑनलाइन ही मिल रहे। तो आप उन सब का बेनिफिट्स लो, और एट द लो कॉस्ट आप अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करो। तो अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि मतलब आपको बताना चाहूंगा मैंने आपको क्यों सिलेक्ट किया है इस इंटरव्यू के लिए। मैंने आपका चैनल देखा, यूट्यूब चैनल, आपने 3 वीडियोस डाले हैं, लेकिन वो 3 ही वीडियो इतने अच्छे हैं, मैंने देखे वो। तो थैंक स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अभिषेक का जो चैनल है, आई थिंक आपके चैनल का नाम यू। द एमएसटी एमएचटी सिटी सीटी। हेल्पर हाँ यस। राइट राइट। तो जरूर जो अभिषेक का चैनल है उनको सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइडेंस वो अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने 3 ही वीडियो डाले, बट वो अच्छे डाले हैं और डिस्क्रिप्टिव डाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका चैनल देख के। थैंक यू थैंक यू। तो आपका अगर कुछ डाउट है और वो पर्सनली आप अभिषेक से पूछना चाहते हो, और जो मेन क्वेश्चन होता है कि रिपीट का, ड्रॉप करने का, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो अभिषेक से आप पर्सनली भी सेशन कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। उसके लिए हमने जो आपके प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, 1-to-1 सेशन विद टॉपर स्टूडेंट, उसकी जो रजिस्ट्रेशन की गूगल फॉर्म है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो डिटेल्स है इस प्लेटफॉर्म के बारे में वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया है, वो चेकआउट कर सकते हो। उस 1-to-1 सेशन में अभिषेक आपको जब तक अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में तब तक अच्छे से गाइड करेंगे। यस ऑब्वियसली। अगर आपको कुछ डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। यस एंड एग्जैक्टली। यस और एज वेल एज इजी कंसेप्ट वाला चैनल भी। एक थैंक यू ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हम आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प में जरूर उनको हेल्प करेंगे। तो ठीक है अभिषेक, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला और यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया, हमारे साथ इंटरेक्शन किया, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हो करते रहो, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होती है। 2 साल पहले भी मैं स्टूडेंट्स के जैसे किसी टॉपर को देख रहा था, आपके चैनल्स में जो वीडियोस है उसको फॉलो कर रहा था, और आज मैं इधर हूँ। तो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में फर्क यही है कि दोनों भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन माइंडसेट दोनों का अलग रहता है। आप हमेशा 100% के लिए टारगेट करो, और अगर आपको 100% नहीं भी मिले तो आपको जो मिला रहेगा ना वो आपके आपको जो मिल सकता था उससे कुछ ज्यादा ही रहेगा। सो टारगेट फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो आपने जो सारा गाइडेंस किया है इस इंटरव्यू से, वो जरूर हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और उनको कुछ डाउट होता है तो जरूर वो आपको अप्रोच करेंगे। सो थैंक्स अगेन अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। देख लिया इंटरव्यू, रुको रुको थोड़ा रुको, वेट।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ में ही कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आई वॉच टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।